विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ जारी तनाव के मसले पर एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री का कहना है कि भारत इस वक्त चीन के साथ अपने रिश्तों को लेकर काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। विदेश मंत्री ने ये बात एक इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में कही। एलएसी पर जारी गतिरोध को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद है, लेकिन जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक दोनों देशों को अपनी बॉर्डर पर सावधानियां और शांति बरतनी होगी। एस जयशंकर ने कहा कि चीन की ओर से एलएसी पर हजारों की संख्या में सैनिकों को लाया गया, जिसके कारण दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई। दो देशों के संबंधों में सीमा पर शांति होना जरूरी है, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा किया गया जिसकी वजह से रिश्तों में दरार पहुंची है। विदेश मंत्री ने कहा कि मुद्दे की बात यह है कि दोनों देशों के बीच कुछ एग्रीमेंट हैं जिनका पालन नहीं किया गया। एस जयशंकर ने इस दौरान कई अन्य मसलों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर की कंपनियां हमारे यहां आएं, लेकिन इस दौरान हमारा फोकस अपने हितों पर भी हो। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच अप्रैल महीने से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन ने लद्दाख सीमा के पास कई बार घुसपैठ की, सैनिकों की संख्याएं बढ़ाई। हालांकि भारत ने भी इस दौरान अपनी तैयारियों को पुख्ता रखा। दोनों देशों के बीच अब तक कई राउंड की वार्ता हो चुकी है, हालांकि अब तक इसका कोई ठोस नतीजा सामने निकल कर नहीं आया। यहां अपने संबोधन में एस जयशंकर ने कहा कि लॉकडाउन के वक्त भारत ने खुद को साबित किया है। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में शानदार काम हुआ है। कोरोना को लेकर मंत्री ने कहा कि भारत में जुलाई अगस्त के दौरान पीक आया, लेकिन अब केस काफी कम हो गए हैं। भारत का रिकवरी रेट शानदार है, जो हमारी तैयारियों को दर्शाता है।